लोगों द्वारा अपने काम को पिटवाने की सबसे बड़ी और गंदी आदत रही है बॉलीवुड की। लोग बदले, लोगों की सोच बदली और काम बदलने का तरीका भी बदला, लेकिन एक चीज रही जो वैसी की वैसी रही, कहने का नाम था उसका बॉलीवुड। अब ये किसी भी फिल्म को बनाए या वेब सीरीज को बनाए, उसका ट्रोल करना लोगों का काम बन चुका था, लेकिन अब ये चीजें साइड हो चुकी। अब लोग भी कहीं ना कहीं समझ चुके और हर इंडस्ट्री में अब ये चीजें ऐड होने लगी है। लोगों की आपके काम पर कमेंट करने की सबसे बड़ी और पुरानी आदत बन चुकी है, चाहे आप कैसा भी करो लोग उस पर कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन अब ये आदत लोगों से हटकर उस इंडस्ट्री पे जा पड़ी है जो भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा पॉपुलर रही है। अगर इन चीजों पर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आज एक नेचुरल स्टार नाने का एक ट्रेलर आया जिसका नाम है दसरा। उसे देखने के बाद में तुम बहुत सी चीजों को ऐड करोगे और बहुत सी चीजों को बताओगे कि ये पुष्पा 2 का रीमेक और पुष्पा 3 का भी ये रीमेक हो सकता है जो कि अभी बनी नहीं। अब ये शब्द बोलने वाले लोगों को या तो ये चीजें समझ में नहीं आती कि मूवी क्या होती है या किसी भी चीज को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बट सिनेमा के भी एक सबसे बड़ी गंदी आदत बन चुकी है, जो लोग एक बार पॉपुलर हो जाता है उसी को कॉपी करने की इसकी आदत बन चुकी है। अगर विश्वास नहीं होता तो जाकर कलर ग्रेडिंग को देख लो। KGF 2 का कलर ग्रेडिंग जो कि आज से चलता आ रहा है और उसी को लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो हाय हेलो वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कहने के लिए तो साउथ इंडस्ट्री और उसकी एक और फैन इंडिया मूवी जो कि भोला के साथ टकराएगी और उस मूवी का नाम है दसरा। आज से कुछ समय पहले इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद में इसका टीजर रिलीज किया गया और आज फाइनली इसका ट्रेलर आया। इससे पहले चर्चा चली हुई थी कि ये पुष्पा जैसा इसमें लुक देखने को मिल रहा है, ये पुष्पा का रीमेक हो सकता है या पुष्पा 3 हो सकती है। बट ट्रेलर देखने के बाद में वो सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो चुकी है कि ये मूवी क्या चीज हमें दिखाएगी। कहानी के प्लॉट की बात करें तो कहानी होने वाली एक इलीगल बिजनेस को लेकर, जहां पर कोयले की खदानें उनको इलीगल तरीके से अपने कब्जे में लिया जा रहा है और उसको बिजनेस बनाकर लोगों को लूटा जा रहा है। अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है नेचुरल स्टार नानी के साथ। अगर तुमने ट्रेलर को 10 सेकंड भी देख लिया ना कंप्लीट, तो तुम्हारे अंदर वो वाइब कंप्लीटली आएगी कि ये पुष्पा 2 का रीमेक है। बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये पुष्पा 2 और ये दशहरा काफी अलग होने वाला है। उसकी स्टोरी प्लॉट अलग थी और इसका जो स्टोरी प्लॉट है वो कंप्लीटली चेंज है। ट्रेलर अपनी स्टोरी प्लॉट को लेकर दशहरा के डायलॉग्स के साथ आगे चलता है और वो एक्शन सीन्स हमें इस मूवी में नजर आ रही है जो कि नेचुरल स्टार नानी नहीं करते थे। आज से पहले उनकी मूवीज देख लो जहां पर उनकी जो एक्टिंग थी वो हमें नजर आती थी, लेकिन ऐसे एक्शन सीन्स हमने उनसे कभी नहीं देखे। फिर क्या होता है कि इसी में वो श्रीवल्ली का भी लुक हमें नजर आ रहा है जो कि पुष्पा में आया था। इसमें जो श्रीवल्ली नजर आ रही है वो कीर्ति सुरेश है जो कि अपने काम के लिए जानी जाती है। उसके बाद में होना क्या था कि फिर बिजनेसमैन की एंट्री होती है और लोग अपने गांव में सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव उनके बीच में एक ऐसी समस्या आ गई जिसका समाधान करना सिर्फ नानी के हाथ में ही। अब उस समस्या का नाम ये है कि कोहले की जो खदान है उनसे लोग इलीगल बिजनेस कर रहे हैं और उस गांव को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर ये ट्रेलर आगे बढ़ता है। ट्रेलर में जो हमें CGI के जो सीन्स देखने को मिले वो अलग प्रकार के, उसके बाद में जो UFX है वो भी काफी अच्छा। अगर ट्रेलर के उन पॉइंटों की बात करें जो काफी अच्छे और खराब भी, अगर इस मूवी के पहले पॉइंट की बात करें तो वो है कलर ग्रेडिंग, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों ने ये चीजें अपना ली है। KGF 2 के बाद में हर कोई कलर ग्रेडिंग का यूज करता है जो कभी उन पर वायर भी पड़ता है और कभी अच्छा भी होता है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो CGI वाले जो सीन नजर आ रहे वो अलग प्रकार के, जो एक्शन सीन्स है उनको अलग प्रकार से आजमाया गया है। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो ट्रेलर का सबसे अच्छा और प्लस पॉइंट लगा कि इसमें जो स्टोरी वो कंप्लीटली रिवील नहीं की गई है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि ये मूवी क्या चीज हमें बताना चाह रही है। उसके बाद में अगला पॉइंट ये है कि प्रमोशन के लिए इसका जो नाम है वो पुष्पा से ऐड हो चुका है। हालांकि पुष्पा और इसमें बहुत अंतर होने वाला है, लेकिन फिर भी प्रमोशन इस मूवी का इजीली हो जाएगा। फिर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट ये पैन इंडिया मूवी है और इसके साथ भोली की टक्कर होने वाली है। ऑलरेडी ये साउथ इंडस्ट्री में तो चल जाएगी, लेकिन इसके लिए जो इंडिया में चलना मुश्किल हो।